हिमाचल प्रदेश में पठानकोट मंडी फोर लेन परियोजना 3 साल में शुरू ना होने के कारण वहां सड़क किनारे बसे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राजेश पठानिया व जिला परिषद उदय पठानिया ने बताया कि 18 मार्च 2016 को तत्कालीन सांसद कांगड़ा चंबा शांता कुमार द्वारा अखबार में दिए गए बयान की मई में भू अधिग्रहण शुरू होगा। लोग हैं इनकी समस्याओं के बारे में बड़े विस्तार से बताया है, तो एक बात का बड़ा अचंभा भी होता है और दुख भी होता है कि फोर लेन प्रभावित लोग जो आज फोर लेन प्रताड़ित लोग बन चुके हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना तिनका तिनका खून पसीना जोड़कर अपने आशियाने बनाए थे, अपने व्यापार जो है वो यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पर कृषि जो है अपनी पुश्तैनी ज़मीनों में कृषि कर रहे थे। अचानक जो है रातों रात एक आदेश से इनकी ज़मीनें छीन जाती हैं, उसके बावजूद भी किसी ने भी इस फोर लेन का विरोध नहीं किया। इसके लिए आप सब लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा प्रदेश हिमाचल प्रदेश का जो विकास है उसके लिए सड़कें, अच्छी सड़कें बनना, चौड़ी सड़कें बनना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन क्या प्रदेश सरकार या क्या जो हमारे ये जो पॉलिटिशियंस हैं क्या हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं? हम लोग यहाँ पर जन्मे पले बड़े, हमारे दादा दादी की गोद में हम लोग इसी घरों में खेले, इन्हीं जगहों पर खेले, हमारे बच्चों ने यहाँ पर जन्म लिया, हमारे दादा दादी कईयों के बुज़ुर्गों ने यहाँ पर अपने अंतिम सांसें ली। यहाँ की हर कोने में इन घरों के, इन खेतों के, इन व्यापारिक प्रस्थानों के हर कोने कोने में हमारे अपनों की खुशबू जो है वो बसी हुई है। हमारे बुज़ुर्ग जब बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, उनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तब बुज़ुर्ग बोलते हैं कि बच्चा मैं घर ले चल, कि मैं जी अपनी अंतिम जी सांस है वो अपने घर जड़ा है वो छड़ना चाहना। तो ये जो भावनाएं हैं, ये कोई भी कॉम्पनसेशन, ये कोई भी मुआवजा जो है इन भावनाओं को खरीद नहीं सकता है। मुआवजा देना तो दूर की बात, इनके जख्मों पर मरहम भी नहीं कोई लगा रहा है। मेरा प्रदेश सरकार से प्रेस के बंधुओं के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को मेरा आग्रह है, वो एक आम परिवार से आए हैं और ग्रामीण परिवेश से उनका संबंध है, वो लोग आपकी जो परेशानियां हैं, जो आप लोगों की जो मुसीबतें हैं, जो आपको अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आ रही हैं, काम करने में आ रही हैं, घरों को चेंज करने में आ रही हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा वो और कोई नहीं समझ सकता। तो मेरा प्रेस के माध्यम से ये उनसे आग्रह रहेगा कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं, जो ये फोर लेन प्रताड़ित जो लोग हैं, इनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। विचार नहीं, हमें आश्वासन ही चाहिए, हमें कोई ना कोई इसका सोल्यूशन चाहिए। और मैं लोग बॉडी के जो हमारे सदस्य हैं, मैं और मेरे साथी रणबीर सिंह जी आए हैं, अंकुश जी आए हैं, और जिन्होंने भी यहाँ पे भाषण दिया है, आपकी राजेश जी के भाई साहब के लिए आए हैं, हम आपको ये पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इस लड़ाई में हम लोग आपके बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हैं। जो लोग बॉडी का, जो आपके सदस्यों का हमें आदेश होगा, हम धर्म समझ के उसको जो है वो पूरा करेंगे। इसके साथ ही लोगों ने अपने आशियाने व कारोबार दूसरी जगह स्थापित करने शुरू कर दिए हैं, जिसके लिए उन्होंने बैंक से ऋण उठा लिए, परंतु हद से ज्यादा परियोजना को शुरू होने में देरी के कारण लोगों की पूंजी बैंकों में चली गई है और बैंक द्वारा अपना संपूर्ण पैसा वापस मांगने पर लोगों की स्थिति नाजुक बन गई है और वे सभी बैंकों द्वारा चेक लगाए जाने के कारण अपराधी बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने 2017 के विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में फोरलेन पठानकोट मंडी परियोजना के उत्पीड़ित लोगों को फास्टर टू देने का वादा किया गया। सरकार आने पर इस फोरलेन परियोजना को 6 महीने के भीतर शुरू करवाने का वादा बड़े बड़े नेताओं द्वारा बार बार मंचों से किया गया, जिससे लोगों ने भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाई, परंतु अब सभी अपनी बातों से मुकर रहे हैं, इसलिए लोगों में अपनी सरकार के प्रति बहुत रोष है। पठानकोट मंडी फोरलेन परियोजना कब शुरू होगी या इसे बंद कर दिया गया है, हमें स्थिति स्पष्ट की जाए और शुरू करने की तिथि बताई जाए, हमें फैक्टर 2 के तहत मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए, जैसे कि आपने अपने घोषणा पत्र विधानसभा चुनाव 2017 में लिखकर दिया था। आज 15 तारीख को हमने एक मेमोरेंडम ज्ञापन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और उसकी प्रतिलिपि
श्रीमान नितिन गडकरी जी, माननीय भूतल परिवहन मंत्री और हमारे हिमाचल राज्य मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी को दी है, जिसमें हमने फोर लेन ना बनने के कारण और अत्यधिक देरी होने के कारण जो हमें समस्याएं आ रही हैं, लोग आत्महत्या करने के कगार पे पहुंच गए हैं, कईयों ने जमानतें जब्त करवाई हैं अपनी और कईयों को बहुत बुरे हाल हैं उनके। और हमने ये आज एक अल्टीमेटम दिया सरकार को, चेतावनी दी है कि 14 दिन के भीतर हमें स्थिति स्पष्ट करें और CM साहब से हम ये स्थिति स्पष्ट करवाना चाहते हैं। अगर उन्होंने हमारे साथ ये कोई वार्ता ना की 14 दिन के भीतर, तो 15वें दिन यानी 29 अक्टूबर को हम लोग अमरण अनशन पर जा रहे हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी और हमें हमारी जमीनों के सही रेट बताए जाए। उन्होंने कहा अगर यह परियोजना बंद कर दी गई है तो हमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार प्रियर की नोटिफिकेशन होने से लेकर अब तक हमारी बनती जायदाद की कीमत पर 12% ब्याज हिसाब से दिया जाए। अंत में यह सारी स्थिति हमें 14 दिन के भीतर हिमाचल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा स्पष्ट की जाए और किसी की बात को हम नहीं स्वीकार करेंगे, अन्यथा 15 दिन के अंदर अक्टूबर 2019 को हम आमरण अनशन पर चले जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी हिमाचल राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की होगी। संघर्ष समिति जो है इनके द्वारा आज एक मुझे ज्ञापन दिया गया है, लोक बॉडी फोर लेन लोक बॉडी, इनके द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और ये ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार न्यू दिल्ली के नाम लिखा गया है। इसकी प्रतिलिपि माननीय श्री नितिन गडकरी जी और माननीय श्री जयराम ठाकुर जी, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, इनके नाम की गई है। इन्होंने अपनी फोर लेन जो संघर्ष, ये जो न्यासपुर से ये खंडवाल से लेके जो अपना सिवनी तक का जो बॉर्डर है, इसमें जो लोगों की लैंड्स एक्वायर हो रही हैं, इसके रिगार्डिंग जो है स्टेटस के रिगार्डिंग इन्होंने अपनी कुछ अपनी मांगे रखी है। ये हम जो है गवर्नमेंट के ध्यान में अभी लेकर आएंगे और गवर्नमेंट को मैं सेंड कर दूंगा। लाइफ टाइम्स टीवी नूरपुर ब्यूरो। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।